नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का, स्वागत है आपका स्टडी की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज जुडिशियल की सीरीज में हम देखेंगे डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है और कोर्ट इसको कैसे सेट असाइड करती है और कैसे इसको यूज करती है। जैसे कि हम देख रहे हैं हैदराबाद में एक कोर्ट ने डाइंग डिक्लेरेशन एक रेप विक्टिम का लिया और उसकी वजह से कन्विक्ट को फ्रेश 10 साल की जो सजा है वो मिली। यहाँ पे हम बात करेंगे स्पेशल सीबीआई कोर्ट की, जिसने अभी हाल ही में जुलाई 16 को दो पुलिसमैन को कन्विक्ट किया है और उनको लाइफ सेंटेंस अवार्ड की है क्योंकि उन्होंने एक मर्डर एक्यूज्ड को की कस्टडियल डेथ को कमिट किया था। यहाँ पे वो जो विक्टिम था जिसकी कस्टडियल डेथ हुई है, उसने जाने से पहले एक डाइंग डिक्लेरेशन लिखा और कोर्ट को बताया कि कैसे मुझे इस गलत तरीके से केस में फंसाया गया था और साथ ही साथ मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया। इनफैक्ट उसने ये लिखा कि मुझसे कन्फेशन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इंस्पेक्टर पवन ने जो बाइक में से पेट्रोल निकाला और पेट्रोल के थ्रू मुझे जला दिया। तो यहाँ मुझे ज़बरदस्ती केस में फंसाया गया और साथ ही साथ मुझे मारा भी जा रहा है। तो इसी के चलते ये डाइंग डिक्लेरेशन जो है कोर्ट ने एडमिट किया एज एन एविडेंस और इन दोनों पुलिस वालों को कोर्ट ने क्लियरली लाइफ सेंटेंस यहाँ पर अवॉर्ड कर दी है। अगर आप राजस्थान जुडिशरी को की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। कोर्सेज आने वाले एग्जाम को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए गए हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके लिंक दिए हुए हैं, इसके थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। स्टडी आईक्यू पे आप विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। मेरे जितने भी वीडियोज आते हैं इन सबके पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल @kapillive से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @kapilsikka ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं क्या एग्जैक्टली होता है डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग का मतलब डेथ बेड पे अगर कोई पर्सन डिक्लेरेशन देके जाता है तो उसे कोर्ट एक एविडेंस की तरह एडमिट करता है, क्योंकि लॉ ये प्रिज्यूम करके चलता है कि मरने से पहले कोई इंसान जो है वो झूठ नहीं बोलेगा, झूठ लेके ऊपर नहीं जाएगा। जो भी बात उसने लिखी है अपने डाइंग डिक्लेरेशन में वो सच ही होगी। सेक्शन 32 है, वो इस बारे में बात करता है एविडेंस एक्ट का। वो कहता है कि ऐसे स्टेटमेंट जहां पे एक रेलिवेंट फैक्ट एक पर्सन ने बताया है और वो पर्सन अब डेड है या फिर वो मिल नहीं रहा है, तो उस पर्सन के स्टेटमेंट को हम डाइंग डिक्लेरेशन मानेंगे। सेक्शन 60 की अगर हम बात करें तो उसमें एक जनरल रूल दिया गया है कि जो ओरल एविडेंसेस हैं, ओरल एविडेंसेस को सबमिट करने से पहले कोर्ट को ये बात मेक श्योर करनी होगी कि वो सच्चे हैं या नहीं है। लेकिन साथ ही साथ कुछ ग्राउंड्स ऑफ एडमिशन भी दिए हैं डाइंग डिक्लेरेशन में, जो कहा जाता है कि दो ब्रॉड रूल्स पे बेस्ड हैं। पहली ये है कि विक्टिम अगर प्रिंसिपल आई विटनेस है, अकेला आई विटनेस है उस क्राइम का, तो उसकी बात को कोर्ट को माननी पड़ेगी क्योंकि कोर्ट के पास कोई और ऑप्शन नहीं, कोई और एविडेंस नहीं है। साथ ही साथ अगर वो पर्सन इम्पेंडिंग डेथ पे है, डेथ बेड पे पड़ा हुआ है, तो फिर उसके भी एक ऑब्लिगेशन है ओथ की, मतलब वो जो भी बातें बता के जा रहा है वो सच ही बोल के जाएगा, वो झूठ नहीं बोलेगा। यहाँ पे सीबीआई जज ने एक ऑब्जर्वेशन भी दिया कि कोई भी पर्सन अगर डेथ बेड पे है, उसे पता है ये दुनिया उसके लिए खत्म होने वाली है, तो फिर शायद ही उसका कोई ऐसा मोटिव होगा जिसमें वो झूठ बोले। जो भी बातें वो बता के जाएगा, जो भी वो तथ्य बता के जाएगा, फैक्ट्स बता के जाएगा, वो सच्चे ही होंगे और यहाँ पे ओथ हमें उससे लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वो एक ओथ के अंडर है क्योंकि उसकी डेथ जो है वो होने वाली है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह हो जाती है कि ग्रेव पोजीशन ये है कि पर्सन के पास एक रीजन भी है कि लॉ में एक अगर आप देखेंगे एक रीजन भी है कि वो झूठ नहीं बोल के जाएगा। जैसा कि हम देखते हैं कि लॉ में एक बात आती है, कोई भी ओथ अगर दिया जाता है, कोई भी ओथ अगर होता है या फिर कोई भी स्टेटमेंट अगर दिया जाता है तो कोर्ट उसका क्रॉस एग्जामिनेशन भी कराती है। अब यहाँ पे देखो सबसे बड़ी बात है कि एक पर्सन है, उसने एक डिक्लेरेशन दिया, अब उसकी डेथ हो चुकी है, अब उसके डिक्लेरेशन का क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे होगा? तो कोर्ट ये मान के चल रही है कि वो सच ही बोल के जाएगा, कोर्ट के पास कोई और एविडेंस भी नहीं है उसकी बात मानने के अलावा। लेकिन ऐसा नहीं है, कई बातों में कोर्ट जो है वो इस डिक्लेरेशन को सेट असाइड कर सकती है। जैसे कि अगर कोर्ट को लगता है कि उस पर्सन ने जो डाइंग डिक्लेरेशन दिया है उसमें कोई इनकरेक्टनेस है, कोर्ट को लगता है कि वो पर्सन को ट्यूटर किया गया था, उसने झूठ बोला है, कोर्ट को लगता है वो पर्सन का स्टेट ऑफ माइंड जो है वो ठीक नहीं है, यानी जो उसने डिक्लेरेशन दिया है वो एनिमोसिटी से भरा हुआ है, किसी ने उसको पढ़ाया है, सिखाया है, झूठ बोलने के लिए मजबूर किया है, तो इन सब बातों में कोर्ट इस डाइंग डिक्लेरेशन को सेट असाइड कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ये भी कहा है कि डाइंग डिक्लेरेशन अगर किसी साइन जेस्चर और नॉड्स, मतलब सिर हिलाने के थ्रू बताया गया है, इस तरह से अगर कोई डाइंग डिक्लेरेशन आया है तो उसको हम एविडेंस मानेंगे। मतलब लिख के नहीं दिया, सिर्फ साइन और वर्ड से या फिर जेस्चर से ही अगर समझाया है किसी ने कि उसके साथ क्या हुआ था, कोई घटना उसने बताई है, तो कोर्ट उसको एडमिट करेगा एज अ डाइंग डिक्लेरेशन। आपको याद होगा निर्भया केस में ऐसा हो चुका है, निर्भया ने जो डिक्लेरेशन दिया था जब वो हॉस्पिटलाइज थी तो वहां पे हैंड जेस्चर्स को यूज किया था और उसे कोर्ट ने ट्रू और कंसिस्टेंट माना था। 2018 में जब कन्विक्ट्स को फांसी दी गई थी तो कोर्ट ने उस डाइंग डिक्लेरेशन को माना था और कहा था ये जो जेस्चर्स हैं इसको भी हम मानेंगे एक डिक्लेरेशन की तरह ही है। अब यहाँ पे बातें आती हैं कि कैसे इसको सेट असाइड किया जा सकता है। जैसे हम ओरिसा वर्सेस परशुराम नायक केस देखेंगे तो यहाँ पे एक्यूज
को एक्यूज की, जो एक्यूज पे क्या था कि उसने अपनी वाइफ को पेट्रोल से जला दिया था। तो वाइफ ने मरते मरते एक डाइंग डिक्लेरेशन दिया, तो कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि जो ओरल डाइंग डिक्लेरेशन है इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि मेडिकल ऑफिसर ने सर्टिफाई नहीं किया है और डिसीज को, और क्योंकि ये सर्टिफाई नहीं किया है कि जो डिसीज है वो मेडिकली फिट है इस तरह के स्टेटमेंट्स देने में। तो यहाँ पे बात आ जाती है कि कोर्ट भी अलग अलग केसेस में डाइंग डिक्लेरेशंस को अलग अलग तरह से ट्रीट करता है। यहाँ पे एक बात और है कि कोई भी अगर रिकॉर्ड पे है डाइंग डिक्लेरेशन जो है डिसीज्ड का, वो एज पर लॉ लिया जा सकता है अगर वो ऑन रिकॉर्ड किसी मेडिकल ऑफिसर को ये बात बताता है क्या एग्जैक्टली हुआ, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को बताता है क्या एग्जैक्टली हुआ, तो उसको हम डाइंग डिक्लेरेशन मानेंगे। लेकिन ये कहीं लॉ ऐसा है नहीं कि कंपल्सरली प्रेजेंस होनी चाहिए एक जुडिशियल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की। सीबीआई कोर्ट ने इस केस में यही कहा कि अगर उस समय वहां पे मजिस्ट्रेट नहीं भी था और उस पर्सन ने एक डाइंग डिक्लेरेशन दिया है तो हम यही मान के चलेंगे कि डाइंग डिक्लेरेशन उसका सच एकदम सच है। और बहुत बार ऐसा होता है कि डाइंग डिक्लेरेशन जो है प्राइमरी पीस ऑफ एविडेंस बनता है हमारे लिए, इसलिए हम इसको साइडलाइन नहीं करेंगे, इसको हम कोर्ट में एज अ एविडेंस एडमिट करेंगे। बात बस ये होनी चाहिए कोर्ट ने कहा कि ये जो भी डाइंग डिक्लेरेशन आता है ये परफेक्टली अकाउंटेबल होना चाहिए और कॉन्शियस माइंड से लिखा जाना चाहिए। जो भी पर्सन इसको रिकॉर्ड कर रहा है तो वो बेसिकली वॉलंटियर कर सकता है, वो बता सकता है कि जो विक्टिम था वो फिट स्टेट में था या नहीं था। तो ये सारी बातें कोर्ट ने क्लियर कर दी है कि डाइंग डिक्लेरेशन को एडमिट किया जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, क्या डाइंग डिक्लेरेशन को हमेशा क्रॉस चेक करना जरूरी है? देखो कई बार ऐसा होता है कि सोल बेसिस बन सकता है कन्विक्शन का, क्योंकि उसे क्रॉस चेक नहीं कराया जा सकता, वो पर्सन अब डेड हो चुका है, मरने से पहले उसने लिखा था। तो यहाँ पे कोर्ट ने यही कहा है कि कोरबरेशन करना एक रूल ऑफ प्रूडेंस है, बेसिकली कि रूल ऑफ कोरबरेशन जो रूल ऑफ प्रूडेंस है कोर्ट मान के चल रहा है कि उस पर्सन ने प्रूडेंटली ऐसा लिखा होगा, ऐसा उसने बताया होगा। ऐसी बहुत सारी जजमेंट्स आई हैं जिसमें क्लियरली कहा है कि ना तो रूल ऑफ लॉ और ना ही रूल ऑफ प्रूडेंस जो है वो ये कहेगा कि डाइंग डिक्लेरेशन के साथ एक कोरबरेशन जरूरी है। ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर किसी ने ये बात डिक्लेरेशन में लिख के दे दी है तो कोर्ट उसको सच मानेगा, क्योंकि सर्कमस्टांसेस कोर्ट यहाँ पे देखा कि उस पर्सन ने किस सर्कमस्टांसेस में वो डिक्लेरेशन दिया है। अगर से सर्कमस्टांसेस जस्टिफाइड है तो कोर्ट उसको एडमिट करेगा और उसके लिए अलग से कोई कोरबरेशन मतलब क्रॉस चेकिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कोर्ट को भी पता है कि ये ट्रू होगा, वॉलेंटरी होगा, इसलिए यहाँ पे जो है कोरबरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, कोर्ट को यह लगता है अगर कि ये सस्पिशियस है, अगर ऐसा कोई भी डाइंग डिक्लेरेशन कोर्ट को लगता है कि सस्पिशियस है, अंडर सस्पिशन किया गया है, या फिर कोर्ट को लगता है कि उसमें सच नहीं है, उस डिक्लेरेशन में बातें जो है वो सच नहीं है, सर्कमस्टांसेस से अलग दिख रही है, तो ऐसे केस में कोर्ट जो है वो कोरबोरेटिव एविडेंस जो है उसकी डिमांड कर सकता है। कोई भी डाइंग डिक्लेरेशन जिसमें इन्फॉर्मिटी है, अगर वो क्लैरिटी नहीं दे रहा है, किसी इन्फॉर्मिटी के चलते लिखा गया है, जिस पर्सन ने लिखा है वो सेन माइंड का नहीं था, तो कोर्ट वहां पे भी कोरबोरेशन मांग सकता है। सिर्फ आप उसको इस बात पे रिजेक्ट नहीं कर सकते कि वो छोटा सा स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इस कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक डाइंग डिक्लेरेशन बहुत लंबा लेटर होना चाहिए, लंबा एक पीस ऑफ पेपर होना चाहिए। अगर वो एक छोटा सा स्टेटमेंट भी लिखा हुआ और उसमें एक मरने वाले व्यक्ति ने अपनी जो भी सर्कमस्टांसेस है, जो भी डिक्लेरेशन उसने दिया है, तो उसे भी हम डाइंग डिक्लेरेशन मानेंगे। सबसे बड़ी बात, कोर्ट ने तो इनफैक्ट ये कहा कि जितना छोटा होता है कहा जाता है उतना सच्चा वो होगा, क्योंकि उस इंसान के पास वैसे ही समय नहीं था, वो मरने वाला था, वो कोई बहुत लंबे लेटर्स तो लिख के जाएगा नहीं, अगर उसने एक दो लाइन में बात लिख दी है तो ये तो गारंटी है कि वो सच ही बोल रहा है। तो कोर्ट ने तो इनफैक्ट यहां तक कह दिया कि शॉर्टनेस ऑफ स्टेटमेंट इटसेल्फ गारंटीज ट्रुथ। तो यहाँ पे कोर्ट देखो, डाइंग डिक्लेरेशन को लेके कोई ऐसा लॉ नहीं है। ठीक है, अगर हम देखेंगे एविडेंस एक्ट में क्लियर मेंशन है कि हाँ डाइंग डिक्लेरेशन को एडमिट किया जाना चाहिए, तो यहाँ पे कोर्ट में या फिर जो जजेस बैठे होते हैं उन पे या उनके डिस्क्रिशन पे काफी मैटर आ जाता है कि वो डाइंग डिक्लेरेशन को किस तरह से एडमिट कर रहे हैं। तो वैसे टेक्निकली ये कहा जाता है कि रूल ऑफ लॉ में कि डाइंग डिक्लेरेशन को एडमिट किया जाना चाहिए, क्योंकि वो प्राइमा फेसिस सच ही बताता है अगर कोर्ट के पास और एविडेंसेस नहीं है उस मैटर को प्रूव करने के लिए। तो आशा करता हूँ टॉपिक आपको समझ में आया होगा, इस तरह के और टॉपिक्स मैं लाता रहूंगा। यूपीएससी आईएएस प्री कम मेंस के स्मार्ट कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं फ्लैट 50% डिस्काउंट के साथ। studyiq.com या हमारी ऐप से आप इनको परचेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगले ऐसे किसी सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।